राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू मीना एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घर में खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह की शुरुआत के साथ ही भाई लेडीज़ का किचन का काम भी शुरू हो जाता है। और मैं बनाने जा रही हूँ आज किचन में कुछ ऐसा जिसके लिए मुझे चाहिए ये कड़ी पत्ता। और मैं आ गई यहाँ अपने कड़ी पत्ते की पौध के पास और यहाँ से लेकर जा रही हूँ कुछ कड़ी पत्ते। तो चलिए किचन में चलकर देखते हैं कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैंने पहले से ही यहाँ कुछ वेजीज जो हैं वो प्रिपेयर करके रख ली हैं, जैसे कि मैंने टमाटो कट करके रख लिया और मैंने शिमला मिर्च ले ली। इसके साथ ही कॉर्न भी मेरे पास पड़े थे और कुछ मटर वगैरह भी पड़े हुए थे। तो ये सभी मैंने वेजीज जो हैं वो ले ली हैं। और सुबह मेरा यही फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना थोड़ा हेल्दी फूड बनाऊँ, मतलब कि कुछ भी जो खाना हो वो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में हो। तो मैं पोहा बना रही हूँ। आज मेरे पास वाइट पोहा है, वैसे मैं रागी पोहा भी यूज़ करती हूँ, बट आज यही था तो मैंने यही ले लिया। और मैं इसको थोड़ा हेल्दी वर्जन दूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हेल्दी हम रखें, जितना ज़्यादा वेजिटेबल हम इसमें यूज़ करें, पोहा कम यूज़ करें, उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है। तो सुबह हेल्दी नाश्ता खाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाहे फिर आप पोहा खाएं, दलिया खाएं या फिर उपमा खाएं, ऐसा कुछ भी जिसमें आप काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकें, सांभर वगैरह भी अच्छा ऑप्शन है। देखिए, मुझे ना अचानक याद आया कि भैया पानी वेस्ट हो रहा है तो नीचे से मग लगा लिया जाए। तो मैंने मग लगा लिया था। अब इसमें जो पानी कलेक्ट हुआ है उसे मैं अपने प्लांट्स में दे दूंगी। और देखिए, पोहा भी बहुत अच्छे से धुल गया है, थोड़ा सा सोक कर लिया है वाटर को उसने। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। वही बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और बस थोड़ा सा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारे मसाले जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो पहले से मिक्स करके अगर इसमें रख दो तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर जो है वो पोहे में आ जाता है। और असली टेस्ट तो भाई हाथ से मिक्स करने पर ही आता है, तो मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ। और पोहा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि हेल्दी रहता है और थोड़ा लाइट भी रहता है। और बच्चे ना सुबह स्कूल जा चुके हैं और अभी सिर्फ मैं और मिस्टर शेफ ही घर पे हैं। तो हम दो जन के लिए ये पोहा मैं बना रही हूँ और बच्चों को मैंने सुबह ही लंच बनाकर दे दिया था। और आजकल एक समस्या और मेरे साथ हो रही है, वो ये है कि सुबह के समय आसपास गली में बहुत तेज ना म्यूज़िक चलता है, जिसकी वजह से मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। आई होप आपको पसंद आएगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, जल्दी से मेरा ये टेस्टी और हेल्दी वर्जन पोहा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको एंजॉय करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मिस्टर शेफ बने हुए हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर माली का काम करने में जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से माली बने हुए आज ये। और देखिए, पूरे बरामदे का उथल पुथल मचा दिया इन्होंने, आप देख सकते हैं हालत। और छुट्टी के दिन को ये इसी तरीके से बिताना पसंद करते हैं, कुछ बरामदे के माहौल को बदल के उथल पुथल मचा के। कभी कोई गमले में से कोई पौधा उछेड़ देते हैं, कभी कोई गमले में से कोई पौधा, कभी किसी में ज़बरदस्ती पानी देना और कभी किसी को उखाड़ के फेंकना, बस यही इनका काम रहता है संडे के दिन। देखिए, ये वाला जो पौधा है थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना फ्रेंड्स, इसीलिए। बट जो मिस्टर शेफ हैं वो आज माली के रूप में हैं, तो मिस्टर हमारे गार्डनर जो हैं वो इसको उखाड़ना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया।
मैंने कहा उसमें अभी छोटी छोटी कोपले आ रही हैं, आप उसको रहने दीजिए। और काफ़ी सारे गमले आप यहाँ देख रहे होंगे, सपाचट हो गए हैं, उखाड़ दिए हैं सब, ये देखिए खाली कर दिए हैं। तो आज यही उचेड़ा अचेड़ी का काम चल रहा है यहाँ पे। मिस्टर शेफ तो क्या बोलूँ, मतलब हमारे माली साहब जो आज आए हुए हैं। और देखिए कल हम नए प्लांटर लेके आए थे ये सिरामिक के, अभी ये दोनों खाली पड़े हैं, अब पता नहीं क्या लगाएंगे मिस्टर शेफ, इनमें अभी कुछ मालूम नहीं है, तो देखते हैं इनका क्या मूड चलता है, कैसा करते हैं। ये देखिए देखिए दो गुलाब भी हैं जो यहाँ पे आज नए गमले में लग गए हैं, अभी कुछ दिनों बाद जब ये सूख जाएंगे तो इनको भी उचेड़ा अचेड़ी शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारे गमलों की उचेड़ा अचेड़ी हो चुकी है। देखिए अब आ रही हो रही है सफाई की तैयारी, कौन वाला आ गया। सुबह तो बहुत ही खुशनुमा मौसम चल रहा था, पर दिन के होते होते बहुत तेज़ धूप हो गई है आज, और मौसम भी गर्मा गया है, और मिस्टर शेफ का दिमाग भी गर्मा रहा है काम कर करके, सारी गर्मी मुझ पे निकल रही है, कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी डांट रहे हैं। तो भाई गर्मी में काम करोगे तो दिमाग भी गर्माएगा ना, ठंड रखो थोड़ी, तरबूजा वरबूजा खाओगे, तरबूज हैं। शांतिपूर्वक जवाब आया, काट दे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आई हुई हूँ अपने डांस स्टूडियो में, और आज था हमारा शूट जो कि हो चुका है बहुत अच्छे से, और मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी डांस फ्रेंड्स से, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी सारी डांस फ्रेंड्स जो हैं वो आ गई हैं। से हेलो, हाय, हाँ। तो यही सब है हमारी डांस, मतलब मेरे साथ में जो डांस सीखती हैं, स्नेहा, हाँ स्नेहा और नेहा, इनका नाम भी मीना है, मैं भी मीना, ये भी मीना, और सीमा, सीमा से मैंने पहले भी मिलवाया हुआ है, तो हम सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो और वो है हमारा डांस स्टूडियो, तो अभी भी चल रहा है यहाँ पे शूट, और हम लोगों का काफी अच्छा, कैसा रहा हम लोगों का? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ना, हाँ बहुत बढ़िया। सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपनी डांस क्लास से, घर पहुँच गई हूँ, और देखिए मीशा का भी आज, उसका भी डांस शूट था, क्लास थी, और वो भी आ गई थी, उसका मेरे से पहले था, और मेरा अब हुआ है। तो जब हम घर पहुंचे हैं तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन आया हुआ है घर, पहचानिए कौन है ये जीवात्मा। देखिए देखिए, तो देखा होगा आपने, कहाँ देखा होगा दोस्तों, पहचानिए। हाँ गाइस, अभी कमेंट करके बताइए। तो ये है योगेश, घर पहुंची तो योगेश आया हुआ है, और योगेश को आए हुए टाइम हो चुका है, खाना वाना उसने खा लिया है। वैसे आया क्यों था तू बताइयो? घड़ी लेने आया था। देखो घड़ी के लिए आया था ये यहाँ पे। भैया नहीं ले देता, आने इतनी धूप में आने की। आपको बताती हूँ, एक्चुअली हुआ ये था कि उस दिन जब मैं गई थी माइके, तो इसकी स्मार्ट वॉच ना मैं अपनी स्मार्ट वॉच समझ के पहन के आ गई थी, और इसका फोन आया कि मेरी स्मार्ट वॉच नहीं मिल रही, कहाँ है। मैंने देखा कि मिस्टर शेफ ने मेरी इसकी वाली स्मार्ट वॉच जो थी वो मैंने तो अपनी बैग में डाल दी थी, मिस्टर शेफ ने सोचा मेरी है और वो मैंने मतलब गलती से पहन ली, तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ घोटाला, तो गई मेरी स्मार्ट वॉच वो ले गई, हाँ ले नहीं गई थी, गलती से आ गई, हाँ। तो बस उसी कारण बस इसको आज दौड़े दौड़े दिन धोपरी में यहाँ आना पड़ा, धूप धड़कते में, इतनी प्यारी घड़ी के लिए, इतना प्यारा है अपनी घड़ी से कि इतनी दूर आया है इसके लिए, तो बस यही कारण था, और वैसे भी मिलना जुलना हो गया, तो यही है ना। तो दो नई आज आपको मैंने अपडेट दी, एक अपने डांस स्टूडियो की, जिसमें कि हमने आज मतलब हमारा शो था और हमारा डांस था, मतलब हमारा शूट था, ठीक है, और दूसरी योगेश आया। और हाँ, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, आज है अक्षय तृतीया, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आज भी और कल भी, दोनों दिन मनाई जा रही है, और कल भी मनाई जाएगी, और इसके अलावा आज ईद भी है। और फ्रेंड्स, क्योंकि आज ईद भी है, तो योगेश कह रहा था कि मैं ना आज ईद की पार्टी खाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? दोस्त के घर जा रहा हूँ। अच्छा, वही रहता है? हाँ, घर के पास ही इसका फ्रेंड रहता है जो इसको ईद की ईदी देना देना देने चाहता है ना, ईदी बोलते हैं ना उसे, है ना, हाँ ईदी, ईदी मतलब पार्टी, हम कहते हैं पार्टी, वो कहते हैं ईदी, तो ईदी खाने जाएगा आज ये, है ना, हाँ। तो भाई पार्टी पार्टी चल रही है इसकी, कभी यहाँ आके पार्टी, कभी वहाँ जाके पार्टी, बस ठीक है यार, पेट का भी ख्याल रखियो पार्टी पार्टी के चक्कर में। हाँ, दोस्तों जिंदगी में चार दिन है, चार में से दो दिन पार्टी करो, दो दिन जियो, हाँ मजे करो, नहीं तो अब बीमार कब पड़ेंगे।
पार्टी करके खाने के बाद चार दिन बाकी है बेकार। क्या बोली तू? जीने के है चार दिन बाकी है बेकार।